हेलो एवरीवन, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्लस्टर पे आपका स्वागत है। मैं हूं पुरुषोत्तम पांडे और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लॉक के क्वेश्चंस को कैसे आसानी से सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए, और उससे पहले अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दो भैया। और चलिए तो शुरू करते हैं। तो आप सब जानते हैं कि क्लॉक में टोटल 12 घंटे होते हैं। ठीक है, नॉर्मल क्लॉक में 12 घंटे होते हैं, और यहाँ पे जो 12 से 1 और 1 से 2 जो डिविजन्स हैं, ठीक है, तो इसमें 5-5 मिनट होते हैं हर में। ठीक है, 5 मिनट यहाँ पे, 5 मिनट 1 से 2 के बीच में, 5 मिनट 2 से 3 के बीच में, तो 5 मिनट सब में होते हैं। और जब क्लॉक एक बार क्लॉक का हैंड या तो फिर मिनट वाला या तो फिर आवर वाला जब एक बार पूरा घूम जाता है तो वो कितना डिग्री कवर करता है, 360 डिग्री। ठीक है, और 5-5 करके ये 12 डिविजन्स में बटे हुए हैं, तो टोटल कितने यूनिट हो गए, 60 यूनिट। और 60 यूनिट जब कोई भी हैंड कवर कर लेगा तो कितना, 360 डिग्री बना लेगा। ठीक है, तो 60 यूनिट में 360, तो एक यूनिट में 6 डिग्री, एकदम सिंपल। और 5 यूनिट में 30 डिग्री, ठीक है, और 10 यूनिट में 60 डिग्री, 15 यूनिट में 90 डिग्री, 30 यूनिट में 180 डिग्री। ठीक है, उसके बाद फिर हम इस पे गौर करेंगे कि आवर का हैंड क्या होता है, स्लो होता है। ठीक है, और मिनट का हैंड क्या होता है, फास्ट होता है। ठीक है, मिनट का हैंड एक घंटे में कितना घूमता है, एक घंटे में कितना घूमता है, पूरा 360 डिग्री लगा लेता है। और उतने देर में आवर का हैंड कितना घूमेगा, तो वो आएगा आपका यहां से यहां तक। ठीक है, मतलब 5 यूनिट कवर करेगा, और 5 यूनिट में कितना, 30 डिग्री, तो वो आपका अपना जो मिनट वाला, ये सॉरी आवर वाला जो हैंड होता है वो कितना कवर करेगा, 30 डिग्री कवर करेगा उतने देर में, जितने देर में मिनट हैंड 360 कवर कर लेगा। ठीक है, और वो 60 मिनट में कितना आवर हैंड घूमता है, 5 यूनिट। ठीक है, वो यहां से यहां आएगा, जैसे 12 पे है मान लीजिए, तो काटा आवर हैंड कहां आ जाएगा, एक में, एक पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर एक और चीज क्लियर कर देते हैं आगे जाने से पहले, कि मिनट हैंड एक घंटे में कितना घूमता है, 60 यूनिट। 60 यूनिट कैसे, यहां से वो मान लेते हैं 12 में है, तो वहां से ये पूरा कवर करेगा और उसके बाद यहाँ आएगा, तो 5-5 करके वो 60 यूनिट कवर कर लेता है। ठीक है, और आवर हैंड उतने देर में कितना कवर करेगा, तो 5 यूनिट कवर करेगा। ठीक है, मिनट हैंड उतने ही देर में 360 डिग्री, जैसा कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं, और आवर हैंड उतने ही देर में 30 डिग्री। ठीक है, तो ये सब कॉन्सेप्ट कुछ है, मैं पहले क्लियर करवा दे रहा हूँ ताकि क्वेश्चंस बनाने में आसानी हो। ठीक है, और 60 मिनट में आवर हैंड 60 मिनट में आवर हैंड कितना, 30 डिग्री बनाता है। ठीक है, तो एक मिनट में कितना बनाएगा, 30/60, दैट इज हाफ डिग्री। ठीक है, उसके बाद फिर 2 मिनट में कितना आवर हैंड बनाएगा, 1 डिग्री, और 5 मिनट में 2.5 डिग्री, हाफ इंटू 5, दैट इज 2.5 डिग्री। 17 मिनट में 17 इंटू हाफ, दैट इज 8.5 डिग्री। 10 मिनट में 5 डिग्री, 19 मिनट में हाफ इंटू 19, दैट इज 9.5 डिग्री। ठीक है, और 27 मिनट में 27 इंटू हाफ, तो मेजर देखिए इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो तीनों क्वेश्चंस को मैंने टाइप वाइज डिवाइड, तीनों जो टाइप के क्वेश्चंस है वो उसको मैंने डिवाइड कर दिया है। अभी जो हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया उससे इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व होगा कि आपको पूछा जा सकता है कि मान लीजिए 7:15 हो रहा है। ठीक है, हाँ, तो 7:15 में जो आवर हैंड और मिनट हैंड है उसके बीच में कितना डिग्री एंगल बन रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्लॉक बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद 12 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 9 और 7:15, तो यहाँ पे अपना 7। ठीक है, तो यहाँ पे आवर हैंड होगा यहाँ पे कहीं,
और 15, तो यहाँ पे मिनट हैं, ठीक है। तो अभी 7:15 के बीच में यहाँ पे बताना है कि मिनट हैंड और आवर हैंड में कितना एंगल बन रहा है ये, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो 5 यहाँ पे मतलब 30 डिग्री 60 90 और 120, ठीक है। 120 और 7:15 हो रहा है, ठीक है। 15 तो 15 में ये जो मिनट हैंड है, ठीक है, वो कितना ये आवर हैंड है जो, वो कितना डिग्री आगे गया होगा 15 में। तो हम लोग पहले पढ़े थे कि एक मिनट में हाफ डिग्री बढ़ता है आवर हैंड, ठीक है। तो 15 मिनट में कितना आगे बढ़ेगा, 15 × 1/2 दैट इज 7.5 डिग्री। तो आंसर कितना हो जाएगा, 127.5 डिग्री इतना आगे बढ़ेगा, ठीक है। इतना इतना ये एंगल बनेगा आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में, ठीक है। और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे ले लेते हैं कि 8:20, हाँ 8:20 में आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में कितना एंगल बनेगा, ठीक है। तो अपना क्लॉक सबसे पहले बनाएंगे, 6, 3, 9 और 8:20, ठीक है। यहाँ पे 7, पे अपना आवर हैंड और 20, तो 4, ठीक है। तो यहाँ पे अपना मिनट हैंड होगा, तो यहाँ पे ये कितना एंगल बन रहा है ये, इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मिनट के लिए चेक करेंगे, मिनट हैंड कितना एंगल बना रहा है। तो मिनट के लिए 30 डिग्री यहाँ पे, फिर 30 और फिर ये 60 और 90 और ये 120 और 20 मिनट हुए हैं टोटल 20 मिनट। तो आवर वाला हैंड कितना एंगल यहाँ पे बढ़ा हुआ होगा, तो यहाँ पे 10 हाफ डिग्री होता है एक मिनट में, ठीक है, और यहाँ पे 20 मिनट हो गया, ठीक है। तो 20 मिनट में 10 × 20 दैट इज 10 डिग्री, तो यहाँ पे 10 डिग्री ऐड होगा और ये कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। तो टाइप वन में आपसे इस तरह का क्वेश्चन किया जा सकता है जो कि काफी सिंपल है। और तो आइए अब देखते हैं कि आगे जो क्वेश्चंस है और टाइप है जो क्वेश्चंस के, वो कैसे सॉल्व करेंगे। तो मिनट हैंड एक घंटे में कितना 60 यूनिट कवर कर लेता है, और आवर हैंड उतने ही देर में 5 यूनिट कवर करता है, ठीक है। एक केस एब्ज्यूम करते हैं कि एक गाड़ी ए है और एक बी है, ठीक है। ए जो है 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है और बी जो है वो 7 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है। तो ए जो है वो एक घंटे अगर दोनों चलता है तो ए जो है वो 10 किलोमीटर चल जाएगा आगे और बी जो है वो 7 किलोमीटर चलेगा। तो 3 किलोमीटर का दोनों में डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको और अच्छे से समझते हैं, तो ए जो है वो बी से तेज है रिलेटिवली, ठीक है। ए जो है वो बी से 3 किलोमीटर तेज है और ए जो है बी से 3 किलोमीटर निकल जाता है आगे एक घंटे में। ए जो है वो बी से 3 किलोमीटर 60 मिनट में निकल जाता है, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, ए जो है बी से 3 किलोमीटर आगे निकल जाता है 60 मिनट में, ठीक है। ए जो है वो बी से 1 किलोमीटर कितने देर में निकलता होगा, तो 60/3, क्योंकि ए जो है बी से वो 3 किलोमीटर आगे निकल जाता है 60 मिनट एक घंटे में। तो ए जो है वो बी से 1 किलोमीटर कितने देर में निकल जाता है, उसके लिए 60 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, तो 1 किलोमीटर के लिए पता चल जाएगा। तो ए जो है बी से वो 60/3 मिनट में निकल जाता है 1 किलोमीटर आगे, ठीक है, 1 किलोमीटर आगे निकल जाता है 60/3 में। ए जो है वो बी से, तो 5 किलोमीटर कितने देर में निकलेगा, तो 1 किलोमीटर के लिए हम लोगों ने निकाला था 60/3, तो उससे 5 को इनटू कर देंगे, तो उसे 5 किलोमीटर के लिए निकल जाएगा। अब इसको हम लोग देखते हैं ये मिनट हैंड और आवर हैंड के लिए, ठीक है। एक घंटे में क्या होता है, मिनट हैंड 60 यूनिट घूमता है और आवर हैंड कितने, 5 यूनिट घूमता है, ठीक है। तो मिनट हैंड आवर हैंड से तेज है, मिनट हैंड आवर हैंड से कितना तेज है, तो 55 यूनिट तेज है, ठीक है। मिनट हैंड आवर हैंड से 55 यूनिट आगे निकल जाता है एक घंटे में, ऐसा भी बोल सकते हैं। मिनट हैंड आवर हैंड से 55 यूनिट आगे निकल जाता है
60 मिनट में, इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मिनट हैंड आवर हैंड से एक यूनिट कितने देर में निकलता होगा आगे, मिनट हैंड आवर हैंड से एक यूनिट 60/55 मिनट में आगे निकलता है, ठीक है। तो मिनट हैंड आवर हैंड से अगर मान लीजिए आपको पूछा जाए कि 5 यूनिट मिनट हैंड कितने देर में, मिनट हैंड आवर हैंड से 5 यूनिट कितने देर में आगे निकल जाएगा, तो 12/11 इंटू 5, तो इतने देर में 12/11 इंटू 5 मिनट में आवर जो अपना मिनट हैंड है वो आवर हैंड से निकल जाएगा 5 यूनिट। तो आइए अब हम देखते हैं कि टाइप 3 और 2 ये इसके क्वेश्चंस के कैसे सॉल्व करें। तो पूछा जा सकता है आपसे कि 4 से 5 के बीच में जो कांटा है मिनट हैंड का और आवर हैंड का वो कब कोइंसाइड करेगा, मतलब एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा, ठीक है, कितने बजे आ जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, उसको आप उसके लिए आप क्लॉक बना लीजिए, यहाँ अपना 12, 6, 3 और 9, ठीक है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, 4, यहाँ पे 5, ठीक है, और फिर यहाँ पे रहेगा अपना मिनट हैंड 4 बजे और आवर हैंड यहाँ पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले कि ये इसके बीच में कितना यूनिट है, तो यहाँ पे और यहाँ पे तो 20 यूनिट है, ठीक है, 5, 10, 15 और 20 यूनिट, ठीक है। अभी उसके बाद फिर हम देखेंगे कि 20 यूनिट वो कितने देर में, हम लोग को क्या फाइंड करना है कि 20 यूनिट कितने देर में वो आगे निकल जाएगा, ठीक है, 20 यूनिट कितना मतलब ये यहाँ पे कवर करके और इसके ऊपर कोइंसाइड करेगा। तो उसके लिए हम लोग 60/55 इंटू 20 करेंगे, ठीक है, और इसको कैलकुलेट करेंगे, जो आएगा टाइम वही होगा हमारा कि उतने देर में वो कवर कर लेगा। तो 60/55 इंटू 20 हो जाएगा 5/11 और 5/10, तो ये कैलकुलेट जब हम करेंगे तो ये आएगा 21/9/11, 21/9/11, 21/9/11, तो ये हो जाएगा मिनट। तो 4:21 आइए एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ताकि पूरा क्लियर हो जाए। इस बार एज्यूम करते हैं कि 7 से 8 के बीच में कब कोइंसाइड करेगा अपना क्लॉक का जो हैंड्स है। तो सबसे पहले क्लॉक बना लेते हैं 7 से 8 बजे तक के बीच में, ठीक है, तो एक बार जरूर दोनों एक के ऊपर दूसरा आ जाएगा। तो 7 बज रहा है, तो सबसे पहले 7 8, तो यहाँ पे अपना होगा मिनट हैंड और आवर हैंड होगा 7 के ऊपर, 7 बज रहा है अभी और ये घूमता हुआ आएगा इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कितना यूनिट है दोनों के बीच में, अभी 35 यूनिट है, ठीक है, यहाँ से 30 और यहाँ पे 35, ठीक है, 35 यूनिट। तो अभी इसको 35 यूनिट कवर करने में कितना देर लगेगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 60/55 इंटू 35, तो कितना देर लगेगा इसको कवर करने में, इससे कैलकुलेट करेंगे हम लोग 11, 7, और इसको फिर सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 35/2/11, तो 7:35/2/11 मिनट पे हमारा मिनट हैंड और आवर हैंड कोइंसाइड कर जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब टाइप 3 के क्वेश्चंस को देखते हैं कि टाइप 3 का क्वेश्चंस किस तरह से हो सकता है और इसको सॉल्व कैसे करें, ठीक है। तो इसमें आपको पूछा जा सकता है कि 90 डिग्री कब बनेगा, जैसे मान लेते हैं फिर से 4 से 5 ही ले लेते हैं, ठीक है, 4 से 5 के बीच में 90 डिग्री कब बनेगा। तो देखिए 90 डिग्री जो है ना वो 2 बार बनता है कोई भी 1 घंटे में, जैसे 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, तो 2 बार बनेगा 90 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे
तीन नौ, ठीक है, तो यहाँ पे अपना चार बज रहा है, तो मिनट हैंड यहाँ और पाँच यहाँ पे चार। तो देखिए ये जब यहाँ पे आएगा तो एक बार 90 डिग्री बनेगा, और ये जब इधर चला जाएगा तो एक बार 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो 60/55 और यहाँ पे कितने दोनों के बीच में यूनिट है, तो 20 यूनिट है, ठीक है। तो 20 यूनिट यहाँ पे एक बार प्लस 15 कर देंगे, और एक बार 60/55 20 माइनस 15 कर देंगे, तो इससे हम लोग को पता चल जाएगा कि कब दोनों के बीच में कब कब 90 डिग्री बनेगा, और इसको सॉल्व कर देंगे। तो इसको यहाँ पे आप सॉल्व करिएगा तो आएगा ये 5/5/11, तो 4/5/11 में एक बार 90 डिग्री बनेगा, और दूसरा इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 38/2/11। तो एक बार 4:38/2/11 में फिर से 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन को, तो ये वीडियो था क्लॉक को लेकर, कि क्लॉक को के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, और आप ये क्वेश्चंस सारे टाइप के मैं चार चार क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लीजिए, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप फिर एग्जाम में बना पाएंगे। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी सीख सके कि क्लॉक के से जुड़े क्वेश्चंस को कैसे बनाएं, और आपको जो भी चीज़ के लिए और वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, और ये वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, ताकि हम आप तक ऐसे ही और सारे वीडियोस पहुंचा सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, कीप स्माइलिंग।